हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंसोम्निक स्टूडियोस। मेरा नाम है जतिन और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्प्लिटर का ट्यूटोरियल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, एकोपेला मेकिंग पे मैं 3-4 वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और कार्ट में भी लिंक मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे को वो थी स्प्लिटर के बारे में, कि स्प्लिटर को कैसे यूज़ करें, स्प्लिटर को कैसे इंस्टॉल करें। सो सैटरडे को जब मैं लाइव आया था वहाँ पे मैंने बोला था कि मैं फ्राइडे को ये वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा स्प्लिटर के ऊपर। सो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे स्प्लिटर को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, उसके बाद कैसे उसे यूज़ करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइज, स्प्लिटर को इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, कन्फ्यूजिंग था, डिफ़िकल्ट था, लेकिन आज 2020 में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो चुका है। ये जो वीडियो मैंने रेफ़र करी है वो करी है मैंने डायलैंड की वीडियो से। सो इन्होंने एक पहले स्प्लिटर पे वीडियो डाली थी बट वो कॉपीराइट उस पर आ गया, सो इन्होंने नई वीडियो डाली अभी कुछ टाइम पहले ही 3 अगस्त को। सो इनकी वीडियो से मैंने थोड़ा सा देखा है एंड मैंने सोचा हिंदी में एक वीडियो बनाई जाए। सो इनकी वीडियो का लिंक आपको ऊपर कार्ट में मिल जाएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके चेक कर सकते हो। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना है पाइथन। सो हम न्यू टैब ओपन करेंगे एंड यहाँ पर टाइप करेंगे पाइथन। सो फर्स्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट की होगी, उस पर करेंगे क्लिक एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑफिशियल वेबसाइट पाइथन की आ चुकी है। अब यहाँ पे हम जाएंगे डाउनलोड्स पे। सो सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है वो है पाइथन 3.8.5। सो हमें ये डाउनलोड नहीं करना है, हमें चाहिए 3.7 वर्जन। सो हम आएंगे थोड़ा सा नीचे एंड यहाँ पर आप देख सकते हो पाइथन 3.7.8, इसको हम करेंगे डाउनलोड। सो यहाँ पे अगेन हम आएंगे नीचे और आप यहाँ पे देख सकते हो किस टाइप का इंस्टॉलर डाउनलोड करना है। सो हमें करनी है exe फाइल जिसको हम रन कर सकें। सो यहाँ पे आपको डाउनलोड करनी होगी विंडोज़ x86-64 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर। सो इस पे करोगे क्लिक तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड, 3 MB का है आई थिंक, और अब करेंगे इसको इंस्टॉल। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना है ये एड पाइथन 3.72 पाथ, उसके बाद इंस्टॉल नाउ। सेटअप वॉज सक्सेसफुल, सो सेटअप सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ से करेंगे इसको क्लोज। इसका जो पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम करेंगे स्प्लिटर को डाउनलोड। सो पहले के टाइम में काफ़ी कोडिंग वगैरह होती थी लेकिन अब हमारे पास आ गया है स्प्लिटर GUI। सो यहाँ पे आप आराम से ये exe फाइल है इसको रन कर सकते हो, एक तरीके से सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन आप बोल सकते हो। सो यहाँ पे इस टाइप का हमारे पास ही हमें मिलेगा। सो इसको करते हैं डाउनलोड। सो यहाँ पे जाके आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे, स्प्लिटर GUI डाउनलोड पेज क्लिक करोगे देन अगेन दूसरा पेज खुलेगा एंड यहाँ पे डाउनलोड इंस्टॉलर MSI फाइल। सो ये 626 MB की फाइल है, इसको आप करोगे डाउनलोड इस पर क्लिक करके। सो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करी हुई है सो मैं यहाँ से कर दूंगा इसको कैंसिल और यहाँ से मैं अपने डाउनलोड्स पे जाऊँगा एंड मैं आपको दिखा सकता हूँ ये मैंने स्प्लिटर GUI डाउनलोड किया हुआ है ऑलरेडी। सो अब इसको यहाँ से हम कर देते हैं क्लिक और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट दी टर्म्स इन दी लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट और इंस्टॉल। सो यहाँ पे डेस्कटॉप पे आइकन आ चुका है स्प्लिटर GUI का। सो जब मैंने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया था एंड इसको रन किया था, इंस्टॉल करने के बाद रन किया था, सो इसने एक मुझे ब्लू स्क्रीन का एरर दिया था। सो यहाँ पे उसके बाद मैंने करा था रीस्टार्ट, उसके बाद ये सही वर्क करा था। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आपने इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिए, सो एक बार सिस्टम को करो आप रीस्टार्ट। सो यहाँ पे मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ अपना सिस्टम। सो यहाँ पे मैंने सिस्टम को कर लिया है रीस्टार्ट और अब इसको करते हैं ओपन। सो आप देख सकते हो स्प्लिटर GUI हमारे पास आ चुका है। सो अब इसको यूज़ कैसे करना है, सो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पाथ देना है। पाथ मतलब आपकी जो फाइल्स है वो कहाँ पे सेव होंगी। सो यहाँ पे मैंने पाथ दे रखा है डेस्कटॉप पे, आप ये देख सकते हो ये फोल्डर है एंड यहाँ पे ये मैंने पाथ दे रखा है। सो यहाँ पे एक बारी मैं आपको चेक करा देता हूँ, यहाँ पे अभी ट्रैक नहीं है। मैं ट्रैक का जो एकपेला बनाऊँगा वो है मांझा। सो यहाँ पे अभी नहीं है वो ट्रैक, एकपेला नहीं है। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप ये देख सकते हो पार्ट्स टू सेपरेट। सो कितने पार्ट्स हमें करने हैं, यहाँ पे अगर आप 2 करोगे सो यहाँ पे एक आपका ट्रैक बनेगा जिसमें वोकल्स नहीं होंगे और सिर्फ जो वोकल्स हैं दूसरे ट्रैक में वो सिर्फ वोकल्स आपको मिलेंगे। अगर आप करते हो 4 पे सो आपको 4 ट्रैक्स मिलेंगे जिसमें वोकल, ड्रम, बेस, अदर
सो ये सब चीज़ें होंगी। देन अगर आप फाइव करते हो सो वोकल बेस ड्रम पियानो अदर्स, सो आपके पास फाइव ट्रैक्स जो हैं एक्सट्रैक्ट होंगे। सो मैं यहाँ पे टू पे ही कर लेता हूँ बिकॉज मेरे को वोकल्स चाहिए, अकपेला चाहिए, और अब इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। यहाँ से ये आप देख सकते हो मेरा ट्रैक है, जस्ट इसमें कर देना ड्रैग एंड ड्रॉप। सो यहाँ पे सक्सेसफुली एकपेला क्रिएट हो चुकी है, आप देख सकते हो रन कंप्लीट फिनिश्ड प्रोसेसिंग ऑल सॉन्ग्स। यहाँ पे डायलन की वीडियो में एक एरर आया था उनको, जो कि था एक माइक्रोसॉफ्ट का कोई सॉफ्टवेयर था, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ से वो आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ 2015 रीडिस्ट्रीब्यूटेबल अपडेट 3। सो मेरे को ये एरर नहीं आया है, आई थिंक मैंने विंडोज़ अपडेट में ये मेरे को मिल गया होगा, इंस्टॉल हो गया होगा। सो अगर आप में एरर आता है सो आप ये जो है इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक मिलेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास एकपेला है वो क्रिएट हो चुका है, एक बारी देखते हैं, ये है एकपेला और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया मांझा के नाम से, एंड यहाँ पे हमारे पास दो ट्रैक्स आ गए हैं। सो अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसको DAW में अपने इंपोर्ट करता हूँ और सुनते हैं क्या रिजल्ट हमें मिले हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास दोनों ट्रैक्स आ चुके हैं, जो ट्रैक नंबर 1 है वो आप इंस्ट्रूमेंटल बोल सकते हो, एंड सेकंड जो ट्रैक है उसको आप वोकल्स या फिर एकपेला बोल सकते हो। सो एक बारी सुन लेते हैं जल्दी से, मैं वोकल्स वाले को करता हूँ सोलो। तुझे मुड़ के देखे हाय तुझे से कटके ये। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड इस सेक्शन पे अगर कोई साउंड नहीं है, म्यूट है, सो कॉपीराइट क्लेम आप समझ जाना। सो उस केस में आप क्या कर सकते हो, स्टोरी मैंने ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है, सो आप स्टोरी जाके देख सकते हो, स्टोरी में इसके रिजल्ट्स हैं, एंड मेरे को स्टोरी पे ही कॉमेंट करके बताना कि क्या हैं इसके रिजल्ट्स, अच्छे हैं या बुरे हैं। सो गाइस यहाँ पे मैं वीडियो में ट्रैक प्ले नहीं कर सकता था क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज हो जाते हैं और वीडियो भी कई बार चली जाती है। सो इसका जो प्रीव्यू लिंक है वो मैं लिंक नहीं है, प्रीव्यू वीडियो में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो क्या थे इसके रिजल्ट्स। फिलहाल इस वीडियो में आपने देख लिया है कि कैसे इसे डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे और कैसे यूज़ करोगे। रिजल्ट्स टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके चैनल ज्वाइन भी कर लेना। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है सो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, प्लस ये वीडियो शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट उन्हें भी कुछ नॉलेज मिल जाए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स है या क्वेरीज है सो कमेंट सेक्शन खुला है, आप मुझसे पूछ सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।